खाने वालों को याली मदद। तो इसके बाद हम आज आपको बहुत ही एक अनमोल रेसिपी दे रहे हैं जिसकी आप सबको बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई अल्लाह के करम से। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कतरी बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त और जेन्युइन रेसिपी है। तो चले आए हम आपको सिखाते हैं कतरी बिरयानी। सही जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमें कतरी बिरयानी बनाने के लिए हमने 600 ग्राम चावल ले लिए, यानी कि आधा किलो, और 100 ग्राम चावल ले लिए हमने, और 800 ग्राम चिकन है हमारा, मिक्स चिकन ले लिया, थोड़ी दरमियानी बोटी होगी, देखें ऐसी बोटी आप ले लें, इसके अंदर लेग की और सीने की दोनों है 800 ग्राम। सही है, 600 ग्राम चावल, 800 ग्राम चिकन। सही जी। अच्छा, और दूसरा एक गड्डी पुदीना, छोटी गड्डी धनिया, और ये है कड़ी पत्ता, तकरीबन आधी गड्डी के करीब कड़ी पत्ता जाएगा इसके अंदर, और ये आलू बुखारा है 100 ग्राम आलू बुखारा, एक पाव टमाटर हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, और ये तिक्खी वाली मिर्चें, तेज़ वाली मिर्चें तकरीबन 10 से 15 अदद डाल दें आप। और ये हो गया गरम मसाला साबुत, इसके अंदर देखें बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, और ये अपना दालचीनी है, और ये जायफल और जावित्री है, तकरीबन 2 टेबल स्पून या फिर 10 ग्राम, ये हो गया। और ये है प्याज, तला हुआ प्याज, ब्राउन प्याज अगर है आपके पास तो 1 कप छोटा, नहीं है तो 3 बड़े प्याज को आपने ब्राउन कर लेना, वैसे तला हुआ इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और ये देखें 1 टेबल स्पून एंड द हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है तेज़ पात 2 से 3 अदर तेज़पात। अच्छा जी, इसमें नमक जाएगा 1.5 टीस्पून एंड द थोड़ा सा ज़्यादा, धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून एंड द हाफ, वाइट पेपर, दखनी मिर्च 1/2 टीस्पून, चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून, और नमक तो मैंने बता दिया आपको हस्बे ज़रूरत या फिर 1/2 टीस्पून, और ये लाल मिर्चें, देगी वाली मिर्चें, बड़ी अच्छी कलर वाली मिर्चें 1 टीस्पून एंड द हाफ भर के। मैं थोड़ा चटपटा बनाऊंगा, अगर आपको कम इस्तेमाल करना है मिर्चें तो फिर अपने हिसाब से डाल लें। और एक बात बताऊं मैं आपको, देखें हम ये जो 600 ग्राम या आधा किलो की चीज़ बनाते हैं ख़ासतौर पर बिरयानी, क्योंकि वो देखें अगर हम सालन बनाएँगे तो उसके अंदर मसाले कम डलते हैं, लहसुन अदरक कम डलता है, मिर्चें कम डलती हैं, क्योंकि वो खाली सालन होता है, वो हमने रोटी से खाना होता है, और इसके अंदर चावल का इजाफा होता है। तो फिर देखें अगर हम वही आपको बताएंगे तो फिर चावल कहाँ जाएंगे, तो फिर वो तो फ्लेवर नहीं आएगा ना, तो इसलिए सालन में और बिरयानी में फ़र्क होता है। तो चले आए, बहुत आसान ज़बरदस्त, मैंने 600 ग्राम चावल सेला लिए थे, 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिए, पूरे 2 घंटे पहले आपने भिगोने और वो पानी फेंक देना, और उसके बाद हमने पानी चढ़ा दिया तकरीबन 1.5 से 2 किलो पानी, बड़ा पतीला लेंगे हमेशा बिरयानी बनाने के लिए, भले आधा किलो की बनाएं या 1 पाव की, उससे बड़ा पतीला लिया करें, उससे चावल खुल के और बेहतरीन मसाला मिलता है। तो हमने तकरीबन पानी चढ़ा दिया हुआ है, वो उबल रहा है, तो आए उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक। तो चले आए हम आपको सिखाते हैं पहले। सही जी, ये है आधा किलो नहीं है, ये है 600 ग्राम, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून, ये देखें 1 और 2, ये भर के हमने डालना है नमक। अगर चावल में नमक नहीं होगा तो आपका बिरयानी अच्छी नहीं बनती, इसलिए नमक का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नमक तो निकल ही जाता है। और ये देखें इसके अंदर से हमने ये छोटी इलायची हो गई, और ये बड़ी आधा, ये आधा इसमें डाल दिया, आधा हमने बचा लिया। सही, इसको हमने थोड़ा सा घुमाया, चावल पूरी डल नहीं कर ले, थोड़ी सी जान रखा करें। और ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल, इससे ये फायदा होगा आपका चावल जुड़ेगा नहीं, और बड़ा अच्छा रूखा और लंबा चावल उबलेगा। करने के बाद ये चावल हमने 2 घंटे पहले सेला ले लिए थे 180 रुपये वाले। चावल आप जितने अच्छे इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी बिरयानी आएगी आपकी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि चावल के ऊपर ही सब कुछ होता है। अगर आप इसमें सस्ते वाले चावल डालेंगे तो चावल टूट जाएंगे, नरम हो जाएंगे, और वो बेकार है। तो इसलिए चावल महंगे से महंगा इस्तेमाल करें, वो बराबर हो जाता है, क्योंकि वो उतने ही फूलते हैं ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें एक दफ़ा हिला के बस आप इसको छोड़ दें। सही है, अब इसको हमने तकरीबन 5 से 4 मिनट इसको उबाल देना है, और 1 से 2 उबाले पे हम उसको उतार लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। सही जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखें अभी 2 से 3 मिनट हुए मगर अभी चावल सख्त है। सही है, अच्छा इसी दौरान हमने इसके अंदर ये ज़ाफ़रानी केवड़ा तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड कर दिया। सही है, अभी हम इसको दो मिनट और पकाएंगे, तकरीबन मेरे ख्याल से
चार से पाँच मिनट आपने पकाना है, या फिर अपने हिसाब से, क्योंकि चावल कोई जल्दी हो जाता है, कोई कम, कोई देर लेता है, तो चावल का आप ये ना समझे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही परफेक्ट है, चावल का मैं नहीं बोल सकता। चावल आपने पास खड़े रहना है, जैसे आपने देखा कि हाँ ये थोड़ा सा रह गया है, अब देखें ये होने वाला है तकरीबन, तो मगर अभी इसके अंदर कसर है, ये देखें अभी थोड़ा सा सख्त है, ज़रा सा इसको और आने दें, यानी कि सिर्फ हमने एक तार के करीब रखना है इसके अंदर, उसके बाद हम निकालेंगे, तो फिर हम इसको छानते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सही, बिस्मिल्लाह, में देखें जी चार मिनट हो गए और ये तकरीबन हो गए, देखें इस कंडीशन में आपने उतारना चावल। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे लोगों ने बोला कि सर आप सही से बताएं हमें कि चावल, ये देखें ये चावल देख रहे हैं, अब ये टूट रहा है ना, तो बस सही है उतार लें, बाकी हम जब दम देंगे तो उसके अंदर उतरेगा। अब इसको हम छान कहते हैं, और बड़ी चीज़ में किसी में डाल के इसको पंखे के नीचे थोड़ी देर रखना हमने, ताकि चावल में से हीट निकल जाए, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। सही जी, बिस्मिल्लाह, हमने इसको छान लिया और देखें एकदम रूखा रूखा और जान में, सही है ना, और इसको ऐसे बड़ा वाला कोई लें थाल, उसके अंदर पंखा चला दिया, रख दिया हमने, ताकि इसकी हीट निकलेगी और चावल जब हम बनाएंगे बिरयानी तो चावल टूटेगा नहीं और अच्छा और बेहतरीन बनेगा। तो चलें आएँ अब इसका कोरमा बनाते हैं, आ जाए। सही जी, बिस्मिल्लाह, हमने पौना कप, हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लिया, सही, ओ माय गॉड, मिलने के बाद ये जो हमने आधा मसाला बचा था ये उसमें डाल देंगे, सही है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी हमने डाल दिया इसमें, दो तेज पात दो उसमें डाल दिए, तो दो अच्छी तरह उसको भूने, करने के बाद चिकन 800 ग्राम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नमक हाफ टी स्पून या हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, वन टी स्पून पिसा हुआ धनिया, भूनने के बाद इसको भी मिक्स करेंगे, ये हमारा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा जाएगा कि उसी की कतरी खुशबू आएगी, आलू बुखारा, ओके, चाइनीज सॉल्ट,
वन टी स्पून, थोड़ा सा नमक और डाल रहा हूँ, लाल मिर्चें वन टी स्पून भर के डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर ज़बरदस्त आए, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, वहाँ से पानी देना है एक कप, ये डालने के बाद एक कप पानी, नमक डालने के बाद टमाटर और साबुत हरी मिर्चें मिक्स कर लें, पकने से मसाले तकरीबन हमारे सारे डल गए हैं। सही जी, अब हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे पकाएंगे तेज़ आंच पे और फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। सही जी, 2 मिनट हमने पकाया इसको अच्छी तरह और आपने अब देखना है आपको स्पाइसी जितनी भी चाहिए हो, अगर ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो इसी टाइम आपने मिर्चें, लाल मिर्चें ज़्यादा ऐड कर देनी है। सही है, ये हमारा प्याज डाल दें सारा, थोड़ा सा मिक्स करें, तो इसी दौरान हमने थोड़ा सा केवड़ा 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा, थोड़ी और हल्की मिक्स कर, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। सही, अब देखेंगे हो गया, अब हम कलर लेके आ रहे हैं, बिरयानी कलर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें हल्का हल्का, कई लोग डालते हैं कई लोग नहीं डालते, मगर आप डालें, कलर नहीं होगा तो बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी। सही है, इतना बहुत बहुत ज़्यादा भी कलर अच्छा नहीं लगता। सही है, ये जो हमारा हरा धनिया और ये है इसको मिक्स किया, एक गड्डी हरा धनिया एक गड्डी पुदीना, ये सारा आपने डाल देना इसके अंदर। तो ये चावल ले आते हैं, इसमें प्लेट में भरें और नीचे आपने तवा रखना है, क्योंकि जो हमारे पतीले होते हैं ना तो उसके अंदर अक्सर उनके जो नीचे का हिस्सा होता है वो बहुत हल्का होता है, वो फिर अच्छे से अच्छा चावल भी होगा ना तो वो नीचे लग जाता है, तो जब लग जाएगा तो फिर वो बेकार हो जाता है, तो इसलिए हमने नीचे पतीला रख के इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे चढ़ाना है। ये 1/4 कप हमने ऑयल डाला था, अब हमने तकरीबन यानी कि आधा पौना नहीं यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम हमने डाला था, इसको दबा दें अच्छी तरह, करने के बाद इसके अंदर तकरीबन हमने थोड़ा सा ऑयल, ये बस करने के बाद अब हम इसको दम पे चढ़ा देते हैं, वो तवा पकड़ेंगे वहाँ से, सही जी हमने देखे नीचे तवा रख दिया, अभी हमने तेज रखी आँच, ऊपर इस तरह का ये रखना है, इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें ताकि इसके अंदर से हीट बाहर ना आए, कोई भी देगची के अंदर पानी भर के रख दें, 3 से 4 मिनट हमने इसको तेज़ पे रखना है और फिर हम स्लो कर देंगे,
तकरीबन 8 मिनट या 10 मिनट हमने इसको दम पे चढ़ा दिया, फिर आते हैं फिर आपको दिखाएंगे। सही जी, हमारी हो चुकी है फर्स्ट क्लास। सही, अब हम इसको उतारते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे। सही जी, बिस्मिल्लाह रहमान। देखें, कांटा ऐसे करें, इसको ऐसे ऊपर करें सब। नीचे से ऊपर लेके आए, मैंने थोड़ा उतारने के बाद इसको रख दिया था ताकि ये ठंडी थोड़ी सी हल्की हो जाए, क्योंकि फिर गरम गरम अगर आप मिलाते हैं ना तो फिर चावल टूट जाते हैं। मिक्सर मिला दिया, बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अल्लाह नजरे पछे बचाए। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त है जान। नहीं, आवाज़ें निकाल रही है, एक बच्चा खड़ा है शरीर हमारे पास, वो आवाज़ें निकालता रहता है। अल्लाह नजरे पछे बचाए। ये देखिए, ओके ओके। यहाँ पे हमारी गोश गोश जबरदस्त। सही जी, हमारी कतरी बिरयानी तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और अगर मेरे भाई होते हैं यहाँ पे, हमारे रजाक भाई, रजाक जतोई भाई, तो फिर बहुत मज़ा आता है साथ में मिलके खाते। रजाक भाई जल्दी आए यार, बहुत सारी रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करनी है और माशाल्लाह बैठ के खाएंगे। ये भी बनाइएगा, कतरी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। देखें, चावल भी सब रूखे हैं, कोई टूटा नहीं है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब आपने हमारे चैनल पे आना है, किंग शेफ शाहिद जट जी, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें, 0315000499। ये इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हमने डाली है यूट्यूब पर रेसिपी, तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला बनाएंगे तो मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिए पाकिस्तान, जिए पाक आर्मी।